हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर संत तुकाराम नेशनल मॉडल स्कूल लातूर। मैं मिसेज उज्ज्वला रणदिवे हिंदी की इस तासिका में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम हिंदी की तासिका में गिनती यह पाठ देखने वाले हैं। गिनती का अर्थ मतलब चीजों को गिनना तथा गिनने की क्रिया को गिनती कहते हैं। यह हमने पिछली पीरियड में देखा है। गिनती का महत्व हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा है। गिनती नहीं होती तो जीवन बड़ा मुश्किल हो जाता। जैसे पीने का पानी हो या खाने की रोटी, हर एक चीज़ की गिनती होती है। चाहे हमारा जन्मदिन हो या स्कूल का कार्यक्रम हो, उम्र बताने के लिए भी अंक की जानकारी होनी चाहिए। यह हमने पिछले वीडियो में देखा है। तो बच्चों, आज हम 11 से 20 तक के अंक की गिनती और उन अंकों की शाब्दिक रूप देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें अलग अलग रंगों की गोलियाँ दिखाई दे रही हैं। यह कुल मिला के 11 गोलियाँ है। और यहाँ पे हमें पपीज भी दिखाई दे रहे हैं। यह भी कुल मिला के 11 है। इसे हम इंग्लिश में 11 कहते हैं। यहाँ पे अलग अलग रंगों की 12 गाड़ियाँ हैं। इसे हम इंग्लिश में 12 कहते हैं। यहाँ पे पम्पकिन, अलग अलग रंगों के पत्ते और फ्रूट्स है। कुल मिला के यह 13 है। इसे हम इंग्लिश में 13 कहते हैं। यहाँ पे अलग अलग रंगों के उल दिखाई दे रहे हैं। उल यानि उल्लू। और यह कुल मिला के 14 है। इसे हम इंग्लिश में 14 कहते हैं। यहाँ पे अलग अलग टॉयज दिखाई दे रहे हैं। यह कुल मिला के 15 है। इसे हम इंग्लिश में 15 कहते हैं। यहाँ पे अलग अलग रंगों के 16 विमान दिखाई दे रहे हैं। इसे हम इंग्लिश में 16 कहते हैं। यहाँ पे 17 बॉल एक साइड में दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ हमें 17 बीज दिखाई दे रहे हैं। इसे हम इंग्लिश में 17 कहते हैं। यहाँ पे अलग अलग रंगों के 18 गुड़िया यानी कि डॉल दिखाई दे रहे हैं। इसे हम इंग्लिश में 18 कहते हैं। यहाँ पे अलग अलग रंगों के 19 गोलियाँ दिखाई दे रही है और इसे हम इंग्लिश में 19 कहते हैं। यहाँ पे हमें सेब दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला के यह सेब 20 है और इसे हम इंग्लिश में 20 कहते हैं। बच्चों, आज हमने 11 से 20 तक के अंकों की गिनती और उन अंकों के शाब्दिक रूप देखे हैं। मुझे आशा है कि आपको गिनती समझ आई होगी। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।